सर कैसे ये घटना हुई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगभग जो है मॉर्निंग 7:30 बजे की घटना है ये, और ये नेशनल हाईवे 28 पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग खुटैया चौराहे पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर है जो नेशनल हाईवे का है, और ये बीच में जो शटरिंग जहाँ हुई थी और बीच में वो टूट गया है और टूट के गिर गया है, और इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं है, बट एक लेबर जो इंजर्ड है जिसको इमीडिएटली पुलिस ने अटेंड करके उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है, और क्योंकि नेशनल हाईवे का है तो हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है, तो ट्रैफिक को भी जो है, क्योंकि पहले रुक गया था 1 घंटा, अब ट्रैफिक को भी जो है निकाल लिया गया है, और एहतियातन जो है हम लोगों ने उधर फैजाबाद साइड और इधर जो हमारे बस्ती के बॉर्डर गोरखपुर के साइड पर जो है वो उसको स्टॉप करके डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि जो है हम लोगों का रेस्क्यू ये मलबा हटाने का काम नहीं हो जाए। नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई है और उनकी भी टीम आ रहा है, और इसमें जो क्रेन्स, हैवी क्रेन्स चाहिए मलबा हटाने के लिए, वो भी जल्दी पहुँच रहे हैं और मलबा जो है जल्दी हटा दिया जाएगा। अनियमितता अगर देखी जाए तो अनियमितता काफी थी, गुणवत्ता की कमी के कारण ये कहीं ना कहीं से धरा आई हुआ है। देखिए वर्तमान में हम लोगों की प्रायोरिटी ये होता है कि कोई भी अगर मलबे में दबा हो उसको इमीडिएटली रेस्क्यू कर ले, बचा ले, उसका इलाज दिला दे। दूसरी है कि ट्रैफिक जो है स्मूथली चले, और उसके बाद जो है जो इसकी का कारण रहे हैं, क्यों ये गिरा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए जो है वो इंक्वायरी की जाएगी और कार्रवाई किया जाएगा और संबंधित को अवगत कराया जाएगा। सर क्या क्या कुछ जानकारी मिली, अभी कुछ लोग और भी मलबे में हो सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग यहीं पे है तो पूरा एक राउंड जो है ले लिया गया है इस पे, बस एक ही जो इनके लेबर जो काम कर रहा था वो उसको इंजर्ड है, बट बाकी अभी कोई है नहीं। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, बट हम लोग की प्रायोरिटी ये है कि हम जो है जितने भी इंजर्ड है उनको इलाज दिला दें और उसके बाद ट्रैफिक को स्मूथ करें और इस मलबे को हटा दें। कहाँ की कंपनी थी अभी तक जो जानकारी है? अभी ये डिटेल हम लोग को पता नहीं है, बट नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है उससे मेरी वार्ता हुई है और वो भी मौके पे अभी आ रहे हैं और उनसे पूरा डिटेल लेके आगे कार्रवाई की जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।